नमस्कार, मेरा नाम गौतम और आप सभी का जियो पॉलिटिक्स में स्वागत है। तो रिसेंटली न्यूज़ आई है कि बांग्लादेश भी श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह IMF से लोन मांग रहा है, क्योंकि इनके विदेशी मुद्रा भंडार फॉरन रिजर्व में गिरावट देखी गई है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश ने IMF से 4.5 बिलियन US डॉलर तक का लोन मांगा है। 4.5 बिलियन लगभग 36,000 करोड़ इंडियन रुपये। बांग्लादेशी बैंक ने हाल ही में फ्रूट्स, लग्जरी गुड्स और प्रोसेस फूड के इंपोर्ट्स को रोककर डॉलर को प्रिजर्व करने के लिए पॉलिसी अनाउंस की है। आपको बता दूं, इससे पहले श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान ने भी लग्जरी आइटम्स के इंपोर्ट पर रोक लगाई थी। पाकिस्तान ने यहां तक कह दिया था कि चाय के सब्स्टिट्यूट में सत्तू ज़्यादा पियो। खैर, साउथ एशिया में श्रीलंका 7 दशकों में अपनी सबसे ख़राब इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा है, जबकि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार तेज़ी से घट रहा है। तो बांग्लादेश की यहाँ से क्या मजबूरी आ गई कि वे IMF से लोन मांग रहे हैं? इन्होंने ना तो चाइना से इतना भारी भरकम लोन लिया है जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका ने लिया, जो कि चुका ना पाएँ। तो मैं आपको बता दूं, यूक्रेन वॉर के नतीजों से रीजन की इकोनॉमीज को बड़ी चोट लगी है, जिससे फ्यूल और अदर असेंशियल इम्पोर्ट्स की लागत बढ़ गई है। अगर हम सेंट्रल बैंक के डेटा के अनुसार देखें तो बांग्लादेश का जुलाई से मई तक का करंट अकाउंट डेफिसिट 17.2 बिलियन US डॉलर का है, जो कि एक साल पहले के पीरियड में 2.7 बिलियन US डॉलर का था। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब एक कंट्री जो बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट करती है और अपने कंट्री से कम एक्सपोर्ट करती है। तो बांग्लादेश की लोकल करेंसी डेप्रिसिएशन ने देश के फाइनेंस को और कमज़ोर कर दिया है, विद करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि 17 बिलियन US डॉलर तक पहुंच गया है। इसी के साथ ही 30 जुलाई को एंड हुए फिस्कल ईयर के पहले 11 महीनों में इंपोर्ट में 39% की जंप हुई है, लेकिन एक्सपोर्ट में सिर्फ 34% की जंप देखी गई है।